हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता, योर बायोलॉजी टीचर. वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. स्टूडेंट्स, सभी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ हिस्ट्री है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ हिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ लाइफ हिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, लाइफ हिस्ट्री होती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन of organism that occurs from birth to death. Organism ki birth se death tak survival aur reproduction ki jo events hoti hain unko bola jata hai life history. Aur har ek organism ki life history vary karti hai, that is known as life history variations. To yahan pe bilkul acche se mention hai ki jo population hai, पॉपुलेशन अपने आप को इवोल्व करने की कोशिश करती है, मैक्सिमम इवोल्यूट करने की कोशिश करती है. इवोल्यूट यानी कि चेंज करने की कोशिश करती है, मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, ताकि वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को शो कर सके. अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है तो नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा होंगे. नंबर ऑफ बर्ड्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसका सर्वाइवल ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे डार्विन फिटनेस को शो कर रखा है, और डार्विन फिटनेस जो शो होती है उसकी हाई वैल्यू जो होती है आर से शो करती है. आर होता है बी माइनस डी पर कैपिटा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. तो जितने ज़्यादा बर्थ रेट होंगे उतना ही ज़्यादा आर की वैल्यू होगी, राइट. तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, सिलेक्शन कुछ प्रेशर होता है नेचर की तरफ से, जब हर एक ऑर्गेनिज्म की उसमें अपनी अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने देखा भी होगा कि जब नेचुरल कैलेमिनिटीज़ आती हैं या फिर एनवायरनमेंट फिट नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवोल्यूट करेगा. अगर वो इवॉल्व नहीं होगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो जो कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, कुछ हर एक ऑर्गेनिज़म्स की जो ब्रीडिंग रेट होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, अलग होता है. बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स सिर्फ लाइफ में एक बार ब्रीड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो बहुत बार, मैनी टाइम्स ब्रीड करते हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है. बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो जो स्मॉल साइज़ के ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लार्ज साइज़ के ऑर्गेनिज़म्स को बर्थ करते हैं. ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, राइट. जो इकोलॉजिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन डिपेंड करता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पे. इट इज़ क्लियरली मैंशनड हियर. बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कॉन्स्ट्रेंट्स पे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन डिपेंड करता है. कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कमी. अगर बायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शंस, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. अगर कोई कहीं पे नेचुरल कैलेमिनिटी आ गई है, फ्लड आ गया है, तो क्या होगा, वहाँ पे स्पीशीज इवोल्यूट होने के, ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ऐसे एडवर्स कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता है वो ही सर्वाइव करता है. जो अपने आप को रिप्रोडक्टिवली फिट शो करता है, हेल्दी शो करता है, वही एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है. दिस इज़ हाउ रिगार्डिंग द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपको कोई डेफिनेशन पूछने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई एग्ज़ाम हो. एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और फिर उनमें रिलेशनशिप पूछा जाता है. तो सबसे पहले आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं. तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन आप इसका मीनिंग ही समझ रहे होगे. इंट्रैक्ट, हम लोग आपस में भी तो इंट्रैक्ट करते हैं, कि जो पॉपुलेशन है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है. और जब कोई चीज़ आपस में इंट्रैक्ट करेगी तो कोई एक ऑर्गेनिज्म गुस्सा भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म खुश भी हो सकता है, मतलब किसी को फ़ायदा भी हो सकता है और किसी को नुकसान भी हो सकता है. दिस इज़ द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं. इन टाइप्स को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है. सबसे पहले म्यूचुअलिज्म दिखाया हुआ है. म्यूचुअलिज्म हम लोग आप बात भी करते हैं ना, हमने जो ये काम किया है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किया है, ठीक है. म्यूचुअल आपसी सहमति,
जब दो लोगों की आपसी सहमति हो कोई काम करते हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रेक्शन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है। प्लस साइन इज शोइंग बेनिफिट, ए निगेटिव साइन इज शोइंग हार्मनेस, हार्मफुलनेस, राइट। तो म्यूचुअलिज्म वो इंट्रेक्शन है जहाँ पे दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है। बट ऑन द अदर हैंड कॉम्पिटिशन एक ऐसा इंट्रेक्शन है जहाँ पे दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है, कॉम्पिटिशन से नुकसान होता है दोनों स्पीशीज को। उसके बाद है प्रिडेशन। प्रिडेशन के अंदर एक प्रिडेटर होता है और एक प्रे होता है। प्रिडेटर प्रे के ऊपर अटैक करता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो जो ख़त्म हो गया उसको नुकसान हो गया, माइनस हो गया, और जो जो जिसने खा लिया यानी कि प्रेडेटर, प्रेडेटर को फायदा हो गया, राइट। तो और फिर है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी ऐसे ही होता है, एक स्पीशीज को फायदा और दूसरी स्पीशीज को नुकसान। लेकिन इन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रेडेशन एक फास्ट प्रोसेस है एंड पैरासिटिज्म एक स्लो प्रोसेस है। स्लो ये धीरे धीरे होती है, और प्रिडेशन क्विक। लाइक अगर कोई काऊ है, काऊ पे लॉयन अटैक कर रहा है तो वो क्विक अटैक करेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको अटैक करने में महीनों या सालों लग जाएंगे। नो, इट डज नॉट टेक टाइम, इट अकॉर्ड्स क्विकली। तो दैट इज प्रिडेशन, जो क्विकली होता है, जो धीरे धीरे होता है वो पैरासिटिज्म होता है। कमेंसलिज्म वो इंट्रेक्शन होता है जहाँ पे एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो शोज न्यूट्रल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जो एमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है बट दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दैट इज न्यूट्रल, नो बेनिफिट नो हार्म, राइट। तो आपको आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर इनका हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मींस कि विद एग्जांपल पढ़ेंगे, और एग्जाम में एग्जांपल्स ही पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड विद केयरफुली। सबसे पहले है हमारा प्रीडेशन। प्रीडेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रीडेशन के अंदर एक प्रीडेटर होता है और दूसरा प्रे होता है। प्रीडेटर प्रे के ऊपर अटैक करता है, प्रे मर जाता है और प्रीडेटर को फायदा हो जाता है, प्रे को नुकसान हो जाता है क्योंकि ये खत्म हो जाता है, राइट। दिस इज प्रीडेशन, अगर मैं इसको वन लाइन में कहूँ, लेकिन ये वन लाइन में हमारी बुक में नहीं है, दिस इज होल एक्सप्लेन्ड इन आर बुक, राइट। तो सबसे पहले आप हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉपिक यानी कि प्लांट्स, है ना। प्लांट्स हैं हमारे चारों तरफ, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट में, आप सबको पता है। तो प्लांट्स को के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो बहुत सारी एनर्जी तो प्लांट के अंदर खुद ही स्टोर हो जाती है उसकी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी, उसको भी तो प्लांट से निकलना ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा प्लांट को बहुत सारे हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खा लेते हैं। लाइक डियर हो गया, एक प्लांट है ना, और प्लांट को कौन खा रहा है, प्लांट को खा रहा है डियर। आपने फूड चेन्स, फूड वेब पढ़ रखी है क्लास 10 के अंदर, हम अभी भी अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो प्लांट को डियर खा रहा है, तो प्लांट की एनर्जी किसको मिल गई है, प्लांट की एनर्जी जो है कुछ एनर्जी तो प्लांट के अंदर स्टोर रह जाएगी, बट कुछ एनर्जी किसके पास पहुंच जाएगी, कुछ एनर्जी पहुंच जाएगी डियर के पास, राइट। और इस डियर को कौन खा रहा है, इस डियर को खा रहा है टाइगर। तो एनर्जी किसके पास पहुंच जाएगी, टाइगर के पास। टाइगर जो है डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। पहले ये डियर के ऊपर डिपेंड है, डियर प्लांट के ऊपर डिपेंड है, तो ये इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स एनवायरमेंट को मेंटेन करने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। यहाँ पे स्पैरो का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्पैरो किसको खाती है, स्पैरो सीड को खाती है। तो स्पैरो इज प्रिडेटर फॉर द सीड, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ शो की हुई है कि कौन प्रिडेटर है और कौन प्रे है। बेसिकली जो प्रिडेटर है, जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो प्रिडेटर्स होते हैं, प्रिडेटर का क्या रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर या फिर एनवायरमेंट के अंदर। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि जो प्रिडेटर होता है ये कॉन्ड्यूट्स का काम करता है। कॉन्ड्यूट्स मतलब एक मीडियम का काम करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। लाइक जो डियर है, डियर किसके लिए प्रिडेटर है, डियर प्लांट के लिए प्रिडेटर है ना। तो
तो प्लांट से एनर्जी किसके पास पहुंच रही है? डियर के पास पहुंच रही है। तो प्रीडेटर किसका काम कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर का काम कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। देन टाइगर इज प्रे फॉर डियर, प्रीडेटर फॉर डियर, है ना। तो टाइगर डियर को खा रहा है, तो एनर्जी किसके पास पहुंच रही है? टाइगर के पास पहुंच रही है। तो बेसिकली प्रीडेटर्स का रोल होता है एनर्जी ट्रांसफर करवाना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ये हुआ पहला रोल, इम्पोर्टेंट रोल, राइट। क्या कर रहा है प्रीडेटर, दोबारा से समझिए। प्रीडेटर जो है कॉइन ड्यूइट्स का काम कर रहे हैं। कॉइन ड्यूइट्स मतलब एक मीडियम का काम कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, राइट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है प्रीडेटर्स का, वो ये है कि प्रीडेटर्स जो हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है, यहाँ पे मेंशन है नीचे, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन है प्रे की, जो पॉपुलेशन है उस प्रे की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नहीं होने दे रहे, उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। अगर प्रीडेटर प्रे को नहीं खाएगा तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, विनाश कर देगी। प्रे की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये विनाश की सिचुएशन हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है आपकी बुक के अंदर, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 के अंदर, और इसने इतना भयंकर रूप ले लिया कि इसने जो है वहाँ पे बहुत सारी लैंड को कवर कर लिया। इतना इसकी ग्रोथ फास्ट थी, वहाँ पे बहुत सारी लैंड के अंदर इसने ग्रो कर लिया, और लैंड फिर उसके बाद वहाँ पे क्या करना पड़ा, वहाँ पे एक नेचुरल प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा उस नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ताकि इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। यू आर गेटिंग मी? कि जो ये प्रीडेशन की प्रोसेस है ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हो रही है। हमको लगता तो है कि प्रे मर गया, अरे बहुत बुरा हुआ, डियर को खा गया लॉयर, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा लगता है सुनने में, बट ये सारी प्रोसेसेस जो हो रही हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हो रही हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रीडेटर का क्या रोल है, तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ये कॉन्ट्रीब्यूट का काम करते हैं, दूसरा आप कहेंगे ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, बायोलॉजिकल ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, अदरवाइज जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सेस में हो जाएगी जो कि हार्मफुल होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होगी? सपोज कि अगर प्रे है, प्रे की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो प्रे क्या कर रहे हैं? प्रे जो है प्लांट्स को खा रहे हैं, ग्रास को खा रहे हैं, तो प्रे अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये ग्रास को ख़त्म कर देंगे सारी की सारी, और जब ग्रास ख़त्म होगी तो क्या होगा? अगर ग्रास ख़त्म हो गई तो फिर सभी ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। यू आर गेटिंग मी? तो यहाँ पे तीन रोल हो गए, फर्स्ट कॉन्क्यूट्स हो गया, दूसरा जो हो गया वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, तीसरा डाइवर्सिटी को मेंटेन करना हो गया, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हो गए, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीडेटर्स के क्या रोल हैं। विद एग्जांपल यहाँ पे आपको ये ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल भी याद रखना है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे एक स्टारफिश है, स्टारफिश डिजास्टर है, ये इम्पोर्टेंट प्रीडेटर है वहाँ पे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ था कि जो एक एक्सपेरिमेंट में ये यहाँ पे हो रखा है कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी सारी की सारी स्टारफिश को ख़त्म कर दिया गया, और जब सारी की सारी स्टारफिश को ख़त्म कर दिया गया पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो 10 स्पीशीज़ जो है इनवर्टिब्रेट्स की वो एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन चला इंटर स्पेसिफिक, मतलब कि अगर प्रीडेटर नहीं होगा, सपोज कि प्रीडेटर नहीं है तो प्रे को कोई खाने वाला नहीं है,
तो प्रे की पॉपुलेशन क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इसके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इनका फूड है, इनकी जो शेल्टर है वो एक ही है, एक ही जगह है, तो फिर कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। रोटी कपड़े मकान के लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपस में ही एक दूसरे को किल करेंगे, राइट? तो ये समस्या यहाँ पे हो गई, इसलिए इतनी सारी स्पीशीज खत्म हो गई, राइट? आई होप कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि प्रेडेशन क्या है, प्रेडेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रेडेटर्स के रोल क्या हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि प्रेडेटर्स क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयट भी कर सकता है प्रे को। अगर प्रिडेटर ओवर एक्सप्लॉयट करता है प्रे को तो प्रे एक्सटेंट हो जाएगा, और अगर प्रिडेटर को प्रे मिलता ही नहीं है तो प्रिडेटर खत्म हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो प्रे जिनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, डिफेंस मैकेनिज्म हम इनको बोलेंगे, कि प्रे के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिससे कि वो प्रिडेटर से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कैमोफ्लेज्ड, यहाँ पे दिखाया हुआ है। कैमोफ्लेज होता है जैसे कि जो लाइक फ्रॉग्स में होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है, ये अपने कलर्स को चेंज कर लेते हैं। जिस कलर में, लाइक अगर ये ग्रीन कलर पे बैठे हैं तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे, तो प्रीडेटर इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, राइट? और प्रेडेटर इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो फिर इनको किल भी नहीं कर पाएगा, राइट? वैसे ही मोनार्च बटरफ्लाई का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, पूछ लिया जाता है स्पेशली कि मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो किस तरह से, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म फॉलोड बाय मोनार्च बटरफ्लाई, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है ये डिस्टेस्टफुल होती है। अब आप लोग जो हैं, आप लोग अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे अगर आपको टेस्टी खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप वहाँ पे दोबारा जाएंगे? नो ना, नहीं ना। तो वैसे ही ये होती है, इसका टेस्ट बड़ा ख़राब होता है, तो प्रे इसको नहीं खाता है, बड़ी गंदी सी यहाँ से फ्रेग्रेंस निकलती है। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर से गंदी स्मेल निकलती है। तो आप सोचो कि आप कहीं से निकल रहे हो किसी स्ट्रीट से और वहाँ स्मेल आ रही है, तो क्या आप वहाँ पे दोबारा जाना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक अकेशिया कैक्टस हो गए, ये थॉर्न डेवलप करते हैं, थॉर्न यानी कि काटे। तो अगर कोई प्रेडेटर अटैक करेगा, उसको काटे लगेंगे, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, वो हार्म हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारे मकान होते हैं, मकान के चारों तरफ क्या करते हैं, कांच लगवाते हैं ताकि कोई उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए। तो वैसे ही प्रे भी हैं, इनके कुछ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? आई होप कि आपको प्रिडेशन समझ आ गया होगा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस क्लियर हो गए होंगे। कॉम्पिटिशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो काइंडली राइट इन द कॉमेंट सेक्शन क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो काइंडली राइट योर प्रॉब्लम इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।